खबर बड़वानी से है, जहां दिव्यांग खिलाड़ी जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। पवन मनीराज जहां एक हाथ कटा होने के बाद भी पावर लिफ्टिंग में नाम कमा रहे हैं, तो वहीं बिलखेड़ा गांव के रहने वाले मनोज पटेल आर्म रेसलिंग में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। मनोज पटेल अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर 5 रजत और 2 कांस्य पदक जीत चुके हैं, तो वहीं दोनों खिलाड़ियों की प्रतिभा को देखते हुए राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा है कि उनके स्तर पर जो भी मदद होगी वो जरूर करेंगे। 2005 में ग्वालियर गया था, वहाँ पढ़ाई कर रहा था। जब मैंने देखा वहाँ पर, तो एक विकलांग व्यक्ति भी कर रहा है इसके लिए, तो मुझे भी उन्होंने गाइड किया। जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 2016 से कंटिन्यू मैं अनेक राज्यों में खेल चुका हूँ और वर्ल्ड में भी खेला है। काफ़ी टाइम से जिम आता था, जिम शौक के लिए आता था फिजिकल के हिसाब से, तो मास्टर ने मेरे को प्रोत्साहन किया कि पावर लिफ्टिंग में आप कर सकते हो आगे, तो मैंने पावर लिफ्टिंग की तैयारी करता रहा उसकी। और अभी एक महीने पहले बड़वानी जिला में जिला स्तरीय प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पे मैंने प्रथम स्थान हासिल किया है। दिव्यांगता की श्रेणी में आने के बाद भी ऐसे खिलाड़ियों ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं खेल के क्षेत्र में। मैं एक राज्यसभा सांसद होने के नाते उनको मेरे से जो भी आर्थिक सहायता स्वीकृत करना होगी वो मैं करूँगा, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के खेल विभाग से भी बात करूँगा और वहाँ से अगर उनके लिए कोई अच्छी योजना होगी तो उस योजना से भी उनको लाभान्वित करने के लिए पत्राचार करूँगा।